पॉइजन यानी जहर कितने ही टाइप के क्यों ना हो, उनका काम तो बस अपने टारगेट का काम तमाम करना ही होता है। और हमारी अर्थ पे मिलने वाले जहरों में कुछ तो इतने तेज होते हैं कि उनको लेने के बाद पल भर में मौत निश्चित होती है, जैसे कि किंग कोबरा का जहर, साइनाइड, पोलोनियम 210 एक्सेट्रा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें उनके एक्शन में कुछ समय लगता है, जिससे ऐसे जहर को लेने वाले को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने और वापस ठीक होने के भी काफी चांस रहते हैं। यानी जिस जहर का एक्शन कम, उसके रिएक्शन भी कम होते हैं। लेकिन 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 दोस्तों, एक जहर ऐसा भी है जिसका एक्शन तो स्लो ही है, रिएक्शन भी बेहद स्लो होता है, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसे दुनिया भर में पॉइजन ऑफ पॉइजन्स यानी जहरों का जहर के नाम से जाना जाता है। और ये जहर है दोस्तों थेलियम। तो आइए आपको बताते हैं इस वर्ल्ड फेमस पॉइजन ऑफ पॉइजन्स के बारे में। ये क्या है, इसको लेने वाले पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है और कैसे डॉक्टर्स इसको ट्रीट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो हुज टाइटल इज पॉइजन ऑफ पॉइजन्स। हेलो एंड वेलकम टू सिंपली अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, वैसे थेलियम एक नर्म धातु है और एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है जो प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं मिलता है। और जब इसको आइसोलेट किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है, तो अपने शुद्ध फॉर्म में ये ग्रे कलर का दिखता है, मगर जैसे ही ये हवा में घुलता है वैसे ही गायब हो जाता है, यानी रंगहीन हो जाता है। और तो और, घुलने वाले थेलियम सॉल्ट में कोई टेस्ट नहीं होता, ना ही कोई स्मेल होती है। यही कारण है कि इसका स्लो पॉइजन के रूप में पहले बहुत उपयोग हुआ, क्योंकि पहले चूहे और कीड़े मकोड़े मारने की दवाओं में थेलियम होता था, जिससे ये मार्केट में आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब इसके यूज पर कई देशों में पाबंदी है। यह ऐसा केमिकल है जो स्किन के संपर्क में आते ही फैलने लगता है। थेलियम ऐसा एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे जिंदगी लेता है। थेलियम के संपर्क में आने के शुरुआती 48 घंटों में उल्टी, डायरिया, सिर घूमना जैसे लक्षण बहुत ही खास और हल्के फुल्के महसूस होने लगते हैं। कुछ दिन में ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे पूरी बॉडी की मांसपेशियां बेकार होती जाती हैं और धीरे धीरे टारगेट की याददाश्त तक भी चली जाती है और आखिर में वह इंसान जिसको इसका डोज दिया गया होता है कोमा में चला जाता है। थेलियम के जहर से मौत होने में लगभग 3 हफ्ते का समय लगता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक्स रिसर्च में छपे एक शोध के अनुसार थेलियम दिए जाने के 6 घंटों के भीतर इलाज शुरू हो जाना चाहिए ताकि वह शरीर में ना घुल सके। थेलियम का एंटीडोज प्रीशियन ब्लू है। इसके अलावा डायलिसिस भी एक विकल्प है। कुछ दवाइयां जिनसे किडनी से थेलियम बाहर निकालने की क्षमता बढ़ जाए वो भी दी जाती है मरीज को, ताकि वो बच सके। लेकिन ऐसा मरीज जो इस जहर के असर से बचता है, उसके पूरे बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं। तो फाइनली आपने वर्ल्ड के सबसे घातक स्लो पॉइजन के बारे में काफी कुछ इस वीडियो में जरूर जाना होगा। इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।